कल हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमने एक अपना ऐप बनाया और उस ऐप ने एक फाइल को ओपन करके उसका डेटा हमें अपनी ऐप पे दिखा दिया। वो ऐप हमारा ये रहा, डबल क्लिक किया, देखिए दिखा रहा है। अब ये कौन सी फाइल को पढ़ रहा है? इसमें तीन लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ 10 डिजिट का डेटा रीड कर सकता है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ ये नंबर्स के डेटा को रीड कर सकता है। तीसरी लिमिटेशन क्या थी, फाइल नेम को हमें सोर्स फाइल में बताना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये वाला कौन सी वाली फाइल को रीड कर रहा है। हमारे पास तो 1 2 3 4 फाइलें नोटपैड की, ये इस वाली फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है। तो देखें, अब इसको बंद कर दिया मैंने और ये वाली फाइल मैंने यहाँ से खोल ली, तो इसमें यही डेटा था और देखें हमारा प्रोग्राम इसी डेटा को रीड करके बता रहा है, सही। मतलब इससे पहले ये काम कैसे हो रहा था, जो बने बनाए सॉफ्टवेयर है उसमें ये काम कैसे हो रहा होता है भाई। देखिए, अगर मुझे ये फाइल खोलनी है तो इसके लिए एक ऐप चाहिए, वो ऐप है नोटपैड। नोटपैड ऐप इस फाइल को मुझे खोल के दिखाती है इसमें क्या है। अच्छा चले, दूसरी ऐप में खोल लेते हैं। तो मुझे दूसरी ऐप चाहिए, वर्डपैड। तो पहले मैं यहाँ से वर्डपैड को ओपन करूंगा, ओपन करके यहाँ से जाके इस वाली फाइल को फोल्डर में जाऊंगा और उसमें जो फाइल है क्लिक करके ओपन करूंगा, तो वो इसके अंदर ओपन करके दिखा देगा। अब ये जो ऐप है नोटपैड, वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जरा एडवांस है भाई। इसमें हमारे पास चॉइस है, ओपन करके कोई भी फाइल खोल सकते हैं, उसमें कितना ही डेटा क्यों ना हो खोल सकते हैं। हमारी ऐप अभी हमने बनाई है तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये बुनियाद बेसिक चीजों पे काम कर रहा है कि हमें पहले फाइल बनानी पड़ती है अलग नोटपैड, हमें सोर्स फाइल में जाके बताना पड़ता है, फिर वो ओपन करता है। मतलब ये यूजर के लिए काम की नहीं है, प्रोग्रामर के काम की है कि वो प्रोग्रामर ने भी इसको थोड़ा सा स्टार्ट लिया है। लेकिन ये अभी हम प्ले स्टोर पर नहीं डाल सकते, किसी को बेच नहीं सकते कि वो अपने घर पे जाके इसको यूज कर ले, क्योंकि अगर उसको देंगे तो वो एक ही फाइल खोलता रहेगा, अगर वो फाइल नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं देगा ये, सही है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर ये है कि आज जो हम करने जा रहे हैं काम, आज हम ये करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो ये है, राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ एन एरे टू फाइल, कि किस तरह से एक एरे के डेटा को फाइल में सेव कर दें, यानी कि एक फाइल क्रिएट करें। हम एक ऐसी ऐप बनाएं जिसमें जो भी डेटा हम एरे में डालें उसको अलग से एक फाइल में सेव हो। मतलब कैसे भाई, ये मैंने नोटपैड खोला, इसके अंदर मैंने लिखा, कंट्रोल एस दबाया और यहाँ पे मैंने एक फाइल का नाम रखा और सेव कर दिया। तो ये जो डेटा था वो एक फाइल के अंदर सेव हो गया, नोटपैड में नहीं सेव हुआ, वो डेटा एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो गया जो नोटपैड से क्रिएट हुई है। अब हम जो ऐप बना रहे हैं वो उसका भी मौसम ये है कि जो उसके अंदर डेटा हम डालें वो एक टेक्स्ट फाइल की सूरत में सेव कर दे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब तक जितने भी हमने सी के अंदर प्रोग्राम बनाए, जैसे स्टूडेंट मास कैलकुलेटर बनाया, बिलिंग ऐप बनाई, फैशन डिजाइनिंग ऐप बनाई, उन सारी ऐप्स में हो ये रहा था कि ऐप तो चलती है, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से ऐप तो चलेगी, ये हमारे नीचे 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 ये देखिए स्मार्ट बिलिंग ऐप, ये ऐप चलाई हमने, ये ऐप चली। अब हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं कमांड लाइन पर। किस पर कर रहे हैं? कमांड लाइन पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हमारा यूजर इंटरफेस जो है ग्राफिकल नहीं है। नोटपैड, वर्डपैड, ये जो बने हुए एप्लीकेशन हैं ये एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए, जिनका नाम है विजुअल बेसिक .NET, और उनका जो इंटरफेस है आईडी उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। उसके अंदर ये बकायदा फोटोशॉप की तरह डिजाइन होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए फिर हमें यही इस्तलाह यूज करनी होती है। सी प्लस प्लस
में अभी हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कि किस तरह से लॉजिक्स बनाई जाती है। जब हम ये सीख जाएंगे को कोई भी फ्रेमवर्क यूज करके हम पहले किसी भी एप्लीकेशन का मॉड्यूल बना लेंगे और उसके बटन के पीछे ये सारे प्रोग्राम लिख देंगे, तो वो बटन उस तरह काम करने लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग डिजाइनिंग नहीं है, वो तो आप एडू फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में सीख ही रहे हैं ना, या यूआई यूजर इंटरफेस डिजाइन करना। इंपॉर्टेंट है लॉजिक क्रिएट करना, कोड लिखना, वो आपको आती है तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो हमारी ऐप ये चलती थी, हम इस ये हमसे जो भी इनपुट और डेटा मांगता था हम वो इसको देते थे। वो डेटा देने के बाद ये अपना आउटपुट दिखाता था और जो भी ऑपरेशन होता था दिखा के, जैसे ही हम इसको कोई बटन दबाते तो ऐप बंद हो जाती है, हमारी ऐप बंद हो जाती है। तो अगर देखें तो कुछ हमारी इस तरह काम नहीं करती कि मैंने एक नोटपैड खोला, उसमें लिखा और उसको यहां से बंद कर दिया और सेव नहीं किया, ऐसी कर रही है ना हमारी ऐप का। ऐप चलती है तो कहां पे, ऐप जब भी रन होगी, चाहे वो नोटपैड चले, चाहे हमने जो ऐप सी में बनाई है वो चले, वो रैम में चलती है। जो भी ऑपरेशन हम देते हैं वो परफॉर्म करती है रैम के अंदर ही, उसके अंदर डेटा होता है। जैसे ही ऐप बंद होती है तो डेटा क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ऐप में डेटा सेव नहीं हो रहा। इस तरह हमने नोटपैड, वर्डपैड, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कुछ भी चलाया और चलने के बाद जब हमने उसको सेव नहीं किया और बंद हो गया, कंप्यूटर लाइट चली गई या खुद बंद हो गया या हैंग हो गया, तो डेटा सेव नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी हमारा डेटा सेव नहीं हो रहा था, आज हम ये सीखेंगे कि वो डेटा फाइल में कैसे सेव होगा जाके। सारे रैम में चलते हैं और बंद हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है ना सबके। अच्छा, तो अब ये काम करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या रेसिपी होगी, हमें ये जानना है क्या प्रोसीजर होगा, क्या रेसिपी होगी। जैसे भाई हम कहेंगे हमें अगवानी पुलाव बनाना है, तो भाई पहले पूछेंगे सामान क्या क्या चाहिए, फिर ये पूछेंगे भाई बनेगा कैसे, फिर हम उस हिदायत पे अमल करेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो इस काम को करने के लिए हमें पहले वही करना पड़ेगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, एफ स्ट्रीम नाम का हेडर फाइल ऐड कराना पड़ेगा, फिर सबसे पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, उसके एलिमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे 10, 11, 12 जो भी है, उस एरे के अंदर डेटा बिठाना पड़ेगा उन एलिमेंट्स के अंदर, वॉट एवर जो भी डेटा हम रखें, तो इस तरह वो एरे लोड हो जाएगा। फिर हमें ऑफ स्ट्रीम नाम के फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट से एक फाइल क्रिएट करवाएंगे, किस नाम से कराएंगे, जो भी नाम हम रखेंगे, abc.txt123.txt। फिर जब वो फाइल क्रिएट करवा देंगे देन फिर हम उस एरे में जो डेटा हमने लोड किया है वो सारा उस फाइल के अंदर स्टोर करा देंगे, मतलब कॉपी कर देंगे, यानी कि एरे को अनलोड कर देंगे उसके अंदर, फिर वो फाइल के अंदर डेटा अनलोड हो जाएगा और फिर हम उस फाइल के सेशन को क्लोज कर देंगे, तो वो डेटा उस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा और हमारी ऐप का मकसद पूरा हो जाएगा, सही। अब इस काम को करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, बोले तो मैं कोड करके बताऊं या मैंने जो कोड करके रखा है उस पर समझाऊं। ओके, तो इसके लिए मैंने दो प्रोग्राम रखे हैं आपके लिए। एक प्रोग्राम तो ये रखा है कि जिसमें जो भी डेटा है जो हमने डिसाइड कर दिया वही सेव होगा ऑलवेज, और दूसरा मॉड्यूल मैंने ये रखा है फिर हम जो डेटा चाहें वो सेव होगा। मतलब मैंने एरे के अंदर 5 नंबर रख दिए, मैंने प्रोग्राम चलाया, वही 5 नंबर उसने एक फाइल बनाया उसमें सेव कर दिया, सही है, ऑलवेज ऐसे ही होगा। और दूसरा प्रोग्राम मैंने ये बनाया है कि जब भी हम ऐप चलाएंगे वो हमसे पूछेगा नंबर बताओ, जो जो नंबर हम डालेंगे वो एक फाइल बनाएगा वो उसमें सेव कर देगा, ठीक है। तो पहले वाले वर्जन को हम करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो सबसे पहले हमने यहां पर जाके राइटिंग, आज के टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ एन एरे, किसी भी एरे के कंटेंट्स को, यानी कि एरे के अंदर जो डेटा है उसको फाइल में कैसे सेव करना है, कौन सी फाइल में, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो हमने यहां से राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ एरे इस फाइल का कोड खोल दिया, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है।
तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख लिया हमने, आईओ स्ट्रीम ऑफ एस स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लगाया, इंटीजर मेन और या ब्रैकेट स्टार्ट किया, लास्ट में सिस्टम को पास किया, रिटर्न जीरो किया और ये ब्रैकेट को ओवर कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये हमने एक लाइब्रेरी ऐड कराई है, इसको हेडर फाइल भी कहते हैं, जिससे हम फाइल ओपन और क्लोज के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये कमेंट्स लाइन है, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, आपको समझाने के लिए कि एरे का साइज है, एरे 10 एलिमेंट के साथ डिक्लेयर हुआ है, लूप यूज करेंगे काउंटर के तौर पे, आउटफुल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टोर करेंगे वैल्यूज को एरे के अंदर, फिर ओपन करेंगे फाइल को, फिर उसके अंदर कंटेंट्स राइट करेंगे, देन क्लोज कर देंगे। ये आपके समझाने के, दैट्स इट, समझाने के लिए। ये प्रोग्राम पार्ट का हिस्सा नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को डिजाइन, जिन लोगों ने किया था उनको ट्यूशन पढ़ाई थी, तो वो प्रोग्रामिंग में इसको भी टाइप कर रहे होते हैं, समझते हैं कि प्रोग्राम का कोड है ये, सही है ना। तो मैं ऐसे लोगों के लिए छोटी सी नाकिस, मेरी अकल है इतना आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत सिखा रहे हैं, तो मेहरबानी करके वो इतना हाई लेवल का कोड नहीं किया करें, जो समझ के थोड़ा बहुत पेड़ हो रहा है वो कोड कर लिया, सही है ना। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कैसे होगा ये काम। सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है एरे साइज, उसकी वैल्यू हमने 10 रखी है। तो इसका मतलब ये एक नेम्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है नंबर्स टाइप का, और उसके अंदर एरे साइज को डाल दिया। इसका मतलब इस एरे के भी एलिमेंट 10 होंगे। तो मैंने मेमोरी को देख तो नहीं रहे, अब मुझे तो नहीं पता आसिम क्या सोच रहा है, कौन कौन सी फिल्में दिमाग में है, कौन कौन से फोटो सोच रहा है ये, ठीक है ना, मक्का मदीना के फोटो दिमाग में आते होंगे, ज़ियारतों के आते होंगे, ईरान के, इराक के, कौन सी फिल्में हैं, कौन दिमाग में क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो हम उसको हम एग्जांपल के जरिए बताते हैं कि भाई आसिम ये वाला फोटो सोच रहा है, आसिम ये वाला फोटो सोच रहा है, तो इसलिए मैं मेमोरी तो हम नहीं देख सकते। तो मैंने मेमोरी को समझाने के लिए एक्सेल के अंदर ऐसे आपके लिए बना के रख दिया, ये सारी मेमोरी है, और उसमें हमारे एरे के लिए ये वाला पोर्शन रिजर्व हुआ है, ये 10 एलिमेंट बने हैं, क्योंकि हमारा लोकल एरे है, लोकल एरे के अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, तो खाली है। ये उस एरे के मेंबर के नाम है, पहले मेंबर का नाम है 0 और आखिरी मेंबर का नाम है 9, सही है ना। तो ये मेमोरी की एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि ये मेमोरी है, और मेमोरी की एग्जांपल भी ऐसे ही किताबों में दी हुई है समझने के लिए। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा रैम में, कहाँ पे होगा भाई, रैम में आ जाए आगे। जब ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा रैम के अंदर, तो हम यहां आ जाते हैं। अगली लाइन पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, वो कहां होगा, ये भी हमारी मेमोरी है, चले भाई वेरिएबल ये इस खाने में डिक्लेयर हो गया, उसका नाम रख दिया काउंट, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसकी टाइप क्या है भाई, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, होल नंबर स्टोर करेगा, सही है, ये एक वेरिएबल बन गया। एरे और वेरिएबल में क्या फर्क है, ये एक वक्त में एक वैल्यू को होल्ड करेगा, ये एक वक्त में कई वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेगा। चले भाई आगे आ जाते हैं। फिर अगली लाइन पे जाएंगे तो ऑफ स्ट्रीम फंक्शन मिल जाएगा इसको, याद करें कल वाले फंक्शन में हमने इफ स्ट्रीम यूज किया था, इधर इफ नहीं है, आई फॉर इनपुट के लिए था, ओ फॉर आउटपुट के लिए है। तो ऑफ स्ट्रीम हो या इफ स्ट्रीम हो, दोनों आपको मिलेंगे इस फंक्शन, इस हेडर फाइल में। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, एरर रहेगा। तो उससे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट जो बनाना है ना, देखें उसके लिए बहुत ईजी है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसने रखा है आउटपुट फाइल, आप लिख दें राहत फतेह अली खान के अबू, हाँ माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छे नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो चाहत अली खान रख दें, ठीक है ना, सी एफ आई रख लें, सी एफ ए रख लें, जो भी रख लें। तो इसने रखा है आउटपुट फाइल। अब इसमें देखिए ना, इसमें भी थोड़ा सा एक काम आता है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज छोटी एबीसी में लिखी है तो उसको एक्सेस भी छोटी एबीसी में करेंगे, अगर बड़ी एबीसी में लिखी है तो उसको एक्सेस भी बड़ी एबीसी में करेंगे। ये छोटी बड़ी के फर्क को भी समझता है, इग्नोर नहीं करेगा, सही है ना, समझ में आ रही है बात। तो अब मैंने यहाँ एफ कैपिटल लिखा है, तो जहां जहां मैं इसको यूज करूंगा वहां मुझे एफ कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये सादा सा काम नहीं कर सकता तो भाई मैं ये पंगा भी नहीं लूंगा, मैं सबको छोटा कर दूंगा कि भाई मैं सारा छोटे में कोड लिख रहा हूँ, भाई जिस चीज का नाम मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं उसको छोटी एबीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, वरना ये एरर आ जाता है, सर मैंने तो स्पेलिंग सही लिखी हुई है और ये एरर दिया जा रहा है, पता नहीं क्या है भाई। तो वो समझ रहा है तुमने बड़ी एबीसी में बताया, छोटी एबीसी में रख रहे हो। दूसरा सिंगुलर प्लूलर का भी मसला है, यहाँ नंबर्स लिखा है तो जहां जहां तुम नीचे लिखोगे इसका नाम वो नंबर्स ही लिखना है, नंबर नहीं लिख देना है, नंबर और नंबर्स में ये फर्क रखता है,
सही है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आउटपुट फाइल का बन गया। अब आउटपुट फाइल का ऑब्जेक्ट भी बन गया, एक वेरिएबल भी बन गया, एक एरे भी बन गया, और एक कॉन्स्टेंट नेम स्ट्रिंग में डिफाइन हो गया। सही है ना, चार चीजें आपकी ये हो गई। सही है, समझ जाएंगे सैफुल्ला, ये ब्लू वाली लाइन का क्या काम है बेटा? हाइड करेंगे जी, ये वो मैं जिनकी बात कर रहा था भाईजान, सर जी, प्रोफेसर साहब, ये कमेंट्स लाइनें हैं, इनको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये आपको समझाने के लिए कि भाई ये इस लाइन से क्या काम हो रहा है, समझने के लिए कि बच्चे समझ लें यार, इसका मकसद ये है, बस इसलिए। अगर इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये हम अपनी लॉजिक को समझने के लिए कि हमने कोड लिखा है उसका क्या मकसद है, वो हम लिख रहे होते हैं, उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए, अब अगली जगह पे हमने क्या किया है, एक और काम किया है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है, हाँ भाई, इसके ऊपर जो है ना, उजेर को छोड़ के, उजेर की बात नहीं हो रही, और मुसिफ को छोड़ के 50 रुपए का इनाम है इसके ऊपर। कितने रुपए का इनाम है? 50 रुपए का इनाम। यहाँ इस लाइन के ऊपर एक सवाल होगा, वो जो सवाल का जवाब देगा वो 50 रुपए के इनाम का हकदार होगा, लेकिन एक, ठीक है, अब सवाल तो करने दो, अभी रुको तो ही है। सवाल आ रहा है अभी, देखें, ये हमने एक कोड लिखा है, एक फोर का लूप चलाया है, उजेर को छोड़कर और मुसीफ को छोड़ के, और उजेर और मुसीफ किसी को बताएंगे नहीं, वरना 50 रुपए फिर वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लूप चलाया है, फोर काउंट इज इक्वल टू जीरो, काउंट की वैल्यू हमने क्या से शुरू करी है, और काउंट को ले गए हैं लेस देन एरे साइज, तो इसका मतलब ये एरे साइज की वैल्यू है 10, तो ये चलेगा 9 टाइम्स, और 9 तक जाएगा। तो लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। सही है, 10 बार चलेगा, 10 बार चलेगा। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, नंबर्स सबस्क्रिप्ट काउंट असाइनमेंट काउंट, आपने ये बताना है कि ये इस स्टेटमेंट से क्या परफॉर्म होगा, होगा क्या, क्या एक्शन परफॉर्म होगा। इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैथ की क्लास नहीं है, तर्जुमा करके नहीं बता देना कि हमारे प्रोग्राम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस लाइन का, बस ये बताना है आपने कि हाँ सर, ये इसका ये काम हुआ। तो तू ऐसा कर, 5,000 का रख ले, मैं बता देता हूँ, तू पूछ ले कोई सवाल इसमें से, वो बता देता हूँ, तू रख लेना 50 रुपये, तू 70 रुपये के लिए पूछ ले मेरे से कोई सवाल, मैं बता दूंगा पूरे प्रोग्राम में से कहीं भी। अब जो सवाल पूछेगा वो इनाम रखेगा ना। हाँ भाई, अब पूछने का सेशन हम शुरू करते हैं, कहाँ से आपसे शुरू करें? हाँ भाई यासिम, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा? कल की तरह नंबर आ जाएंगे लाइन से, ये आपका फाइनल जवाब है? हाँ भाई, ये पूछ लो, कहीं आपका फाइनल जवाब बाद में बोले सर ये तो यही है। आसिम ने कहा कल की तरह नंबर नंबर आ जाएंगे, कल की तरह ऐसे ही ना। चले भाई दीप, पता नहीं, चलो लॉक कर दूं स्क्रीन, तो लोग नहीं करेंगे तो फिर ये नेमतुल्ला वैल्यूज स्टोर करेगा कैसे? अबे वो इतना ऊपर तो लिखा हुआ, इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, बोल रहा हूँ इंग्लिश की क्लास नहीं है, वही तर्जुमा करके मेरे को बता दिया वैल्यू स्टोर करेगा। ये ना मैथ की क्लास है ना इंग्लिश की, भाई ये प्रोग्रामिंग की क्लास है, आपको ये बताना है ये क्या करेगा। फिर वही बात, अरे लिखा हुआ है वो तो ऊपर, करेगा कैसे, क्या होगा इससे मेरे प्रोग्राम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ चले, शाहरुख को भी मौका नहीं दे रहे, आखिर में देंगे, हो सकता है ये जीत जाए। बाबर हर बार नंबर को प्लस कर देगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? फाइनल जवाब है आपका ये? ठीक है सैफुल्ला, जल्दी निपट जाए, शाहिद आफरीदी की तरह कौन खेलेगा आखिर तक, 4 गेंदों पे आउट। हाँ कुछ भी मार दे, कैसे सोने पे तेजाब का पानी चढ़ा देंगे, चांदी की तरह चमक जाएगा, चांदी की तरह चमक जाएगा। चलो यही जवाब है आखिरी, बाद में नहीं बोलना सर, ये तो आपने दिया था जवाब। सैफुल्ला का जवाब है चांदी की तरह चमक जाएगा ये, ठीक है बता दे।
किसको? आम आदमी नहीं है, मैंने शुरू में तारीफ बताई है तुम लोगों को, फिर बाद में मैंने उन्हें बोला करो। हाँ, शरफुद्दीन। उसके बाद जीरो बता के आगे वैल्यू बताता चला जाएगा, मतलब लालटेन हाथ में पकड़ लेगा, बताता चला जाएगा। सही, यही बात कहना चाह रहे हैं, काउंट की वैल्यू जीरो बताएगा और आगे वैल्यू बताता चला जाएगा। ठीक, ये जवाब है आपका, अहमद अल्लाह भी हो गया। अब भाई दीप दे दे जवाब, अब खत्म हो रहा टाइम। क्या है? ये बोल क्या रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये 0 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेगा, 9 तक जाएगा, ऐसे बताना चाह रहे? 1 से शुरू करेगा और 10 तक बताएगा। चले भाई शाहरुख है कौन? हाँ शाब, क्या भले दे दे जिस्मों में। हाँ भाई, हाँ भाई, अरे वो तो पियेंगे, जवाब तो दो पहले। वो तो अपनी अलग चाय, ये इनाम वाली चाय है ना पागल, इसको तो जीतना पड़ेगा ना। नहीं, कर लो, ये छोटा मोटा नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं कर लूंगा बर्दाश्त, आप करो नुकसान। ये जवाब दे रहा है, बोला मैं जवाब, इसको नहीं आ रहा है। हाँ भाई चल यार, अब उधर से पूछ लेते, उधर बता क्या होगा। सुन लो, जितनी बार लूप चलेगा मेमोरी के अंदर, हाँ मेमोरी के अंदर, इस तरह से जो आपका एरे बना हुआ है उसके जितने एलिमेंट है, तो फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा तो नंबर्स और काउंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जीरो। तो ये आपको डिनोट कर देगा जीरो एलिमेंट की तरफ, और आगे क्या लिखा है? असाइनमेंट, और फिर काउंट लिख दिया, तो यहाँ पे भी वैल्यू जीरो है। तो ये वाला जीरो इस जीरो एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा, यानी के फर्स्ट पहले चक्कर में ये काम होगा, दूसरे चक्कर में जब ये घूम के ऊपर से आएगा तो एक प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। तो यहाँ पे एलिमेंट भी वन आ जाएगा और यहाँ वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो वन वैल्यू वन एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगी इस तरह से, तीसरी दफा में इस तरह से, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां, ऐसे करके हर एलिमेंट में वही नंबर वैल्यू के तौर पे स्टोर हो जाएगा जो उसका आईडी है। यानी कि इसका एलिमेंट का आईडी 4 है तो इसके अंदर 4 स्टोर हो जाएगा, इसका आईडी 7 है तो इसके अंदर 7 स्टोर हो जाएगा, इसका आईडी 9 है तो इसका 9 स्टोर हो जाएगा। दूसरा सवाल में गवा दिया, 250 रुपये का नुकसान कर दिया तूने छोरक करा, 200 वाला तब किया था, 50 वाला आज कर दिया। अब ये तो सवाल हो गया ना, अभी क्या पूछूं, बता दिया तुमने। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ये? क्या नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को उम्मीद थी शाहरुख बता देगा, मेरे को उम्मीद थी शाहरुख या आसिम, दीप वो बैठा है शाहब, ये इनमें से बता देगा। उजेर को मैंने इसलिए रोका, उजेर का थोड़ा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो देने के लिए मूड में था, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत ही नहीं करी, मैं क्या करूं, तुम बंदे रख लो, उनसे पूछ लिया करूंगा मैं सवाल। ठीक है, अच्छा चले, इस तरह ये हमारा एरे जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा, इसमें डेटा आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब अगला स्टेप मैंने बताया था कि वो फाइल क्रिएट करेगा। फाइल क्रिएट करने के लिए कोड लिखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया आउट फाइल डॉट, इसका मेथड लेंगे ओपन, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के डबल कोट्स में हम फाइल का नाम लिखेंगे। क्या रखेंगे? फाइल का नाम। तो फाइल का नाम जो भी रखेंगे इसी नाम से वो फाइल क्रिएट करेगा। चले हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं फायरवॉल डॉट txt। फायरवॉल हमारी फाइल का नाम है, डॉट txt इसकी टाइप है, तो इससे क्रिएट होगी एक टेक्स्ट फाइल, क्योंकि डेटा टेक्स्ट जो डेटा होता है वो नंबर भी होता है, अल्फाबेट्स भी होता है, सिंबल भी होता है, वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट होगी जब हमारा प्रोग्राम चलेगा और उसके अंदर ये वाला डेटा जो हमारे एरे के अंदर लोड हुआ है वो सेव कराना है। तो पहले ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, अब एरे के अंदर से डेटा लेके कैसे फाइल में सेव कराएंगे उसके बारे में समझते हैं। तो उसका तरीका ये है, फिर से हम फोर का लूप चलाएंगे, सेम सेम फोर का लूप चलाएंगे, और अब लिखेंगे आउटपुट फाइल लेस देन, देखिए कल जब रीड करा रहे थे तो हम लिख रहे थे ग्रेटर देन ग्रेटर देन, आज जब सेव करा रहे हैं डेटा फाइल के अंदर तो लिखेंगे लेस देन, एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट, वेरिएबल का नाम काउंट, लेस देन न्यू लाइन। अब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम लूप चलेगा
तो नंबर एरे के पहली वैल्यू जीरो होगी, जीरो एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू होगी वॉट एवर, इसमें तो जीरो ही है, जीरो ले जाके सेव करेगा आउटपुट फाइल में, आउटपुट फाइल वो सेव करेगा फाइल के अंदर, और न्यू लाइन लेके फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर काउंट की वैल्यू भी वन हो जाएगी, फिर पहले एलिमेंट की जो भी वैल्यू होगी वन है वो ले जाके दोबारा से इस फाइल के अंदर सेकेंड लाइन पे सेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लाइन लगा हुआ ना, और इस तरह 10 की 10 वैल्यू 10 की 10 सेव करके आखिर में फाइल को सेव करेगा, क्लोज करेगा, और ये मैसेज हमारा प्रोग्राम हमें दिखा देगा कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है, या मैसेज जो आप चाहें लिख के सेव करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। चलें अब करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए उस फोल्डर में जहाँ हमारा प्रोग्राम सेव है, अभी यहाँ पर देखें 1 2 3 4 नोटपैड की फाइल सेव है, लेकिन कोई भी फाइल इस नाम से सेव नहीं है जिसका नाम होगा firewall.txt। अब हम चलाएंगे तो क्रिएट होगी, ये मैंने प्रोग्राम को चला दिया, चल पड़ा प्रोग्राम, प्रोग्राम ने मैसेज दिया नंबर वर सेव टू द फाइल, प्रेस ए कैनी टू कंटिन्यू, ये हमारा ऐप बंद हो गया। अब चलते हैं फोल्डर की तरफ, तो यहाँ देखिए ये एक नोटपैड की फाइल क्रिएट हो गई, ये डबल क्लिक किया और यहाँ पर डेटा सेव कर, सही है। ये था पहला ऑपरेशन जिसमें हमने एरे को लोड किया लूप के जरिए उन्हीं नंबर से जो हम चाहते थे। हाँ, नाम चेंज करेंगे दूसरी बन जाएगी, सपोज तो भी यहाँ पर रख लेते हैं नोवाइस। अब हम अपनी ऐप को चलाएंगे तो एक और फाइल क्रिएट होगी, वो रीनेम नहीं होगी, एक और फाइल क्रिएट हो गई, जाके फोल्डर में चेक कर लें, नोवाइस के नाम से फायर वाली पड़ी हुई, सही है, डेटा सेव कर दिए नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड में ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। सर ये तो हर दफा 0 1 2 3 सेव कर रहा है, मैं तो चाहता हूं जो मेन नंबर चाहूं वो सेव करे, तो जो मैं चाहता हूं वो नंबर चाहे सेव करे, तो मुसीफ बताएगा क्या करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, कहां पे सीन लगा देंगे, यहां पे सीन का इस्तेमाल करेंगे। अब उजेर बताएगा कैसे करेंगे बेटा, इसमें क्या चेंज करेंगे, थोड़ा भारी वाला सवाल है ना, तो उसे भेजा मैंने। कौन सा ओके ओके ओके, चलें देखते हैं, जुबेर उजेर ने जो बताया है वो हमने फार्मूला बना के रखा हुआ है, उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमने फाइल बंद करी, राइटिंग कंटेंट्स ऑफ एन एरे टू अ फाइल, ये आ गया यहाँ पे राइटिंग कंटेंट्स ऑफ मैनुअल, इसमें मैंने ये काम ऐसे किया, फिर उजेर वाला भी मामला करते हैं। मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा एडिशन किया, एक और वेरिएबल ले लिया INP के नाम का, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, उसको क्या किया फॉर के लूप में ब्रेकेट उस सूरत में नहीं लगाते जब एक ही स्टेटमेंट रिपीट करानी हो, यहाँ पे 3 लाइन का कोड हो रहा था इसलिए इसके रिपीटेशन वाले बॉडी ब्लैक ब्रैकेट लगाए, और ये कोड लिखा हमने एक मैसेज सी आउट एंटर डेटा, पहला मैसेज ये प्रिंट होगा, फिर सी इन करके इनपुट ले लिया किसके अंदर, और नंबर्स के अंदर काउंट के अंदर मैंने आगे असाइनमेंट के बाद इसी वेरिएबल को लिख दिया, तो पहली दफा जब जीरो चलेगा तो जो नंबर हम इनपुट देंगे इनको वो इंट जाके इसके जीरो एलिमेंट में सेट कर देगा, दूसरी दफा पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट देंगे वो इसके फर्स्ट एलिमेंट पे सेट कर देगा। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को, और जो फाइल क्रिएट होगी उसका नाम अब हम रखते हैं, ये तो बनी हुई है, इसका नाम हम रखते हैं एप्पल। ठीक है, ओके, चलाते हैं इस ऐप को, ये मैंने रन किया ऐप को, और अब ये मुझसे कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। बाज़ों का हमारा कंपाइलर ये प्रॉब्लम करता है, ये कंपाइलर उस सूरत में प्रॉब्लम करेगा जब आप किसी फाइल को सेव एज करके नाम दूसरा रखेंगे और उसके अंदर कोड को चेंज कर देंगे, तो इसकी मेमोरी में पुरानी वाली फाइल बैठी हुई होती है, ये मेरी पुरानी फाइल को ही चला रहा है जो हमने पहले सीखी थी, तो अब इसी सूरत में आप क्या करेंगे, कोड सही लिखा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी सोर्स फाइल है, यही काम आपको एग्जी फाइल से लेना पड़ेगा, हम इसी प्रोग्राम की एग्जी फाइल को चलाते हैं, ये हम गए फोल्डर में, ये रही वो एग्जी फाइल, राइटिंग द कंटेंट टू द एरे फाइल मैनुअल,
ये उसकी एक्सी फाइल, ये हमने चला दी हमारी फाइल, ये चल पड़ी। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप में आया तो इसने हमसे क्या कहा, इनपुट डेटा। ठीक है, फर्स्ट टाइम 10 दफा लूप चलेगा, 10 नंबर इनपुट लेगा, तो हमने इसके अंदर लिखा 20,000, 2, 45,000, 5, 66,000, 7, 12,000, 9, 21,000, 5, हो गए 10 की एंट्री। मैसेज दिया, द नंबर वर सेव टू द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है, राइट द कॉन्टेंट ऑफ एरे टू अ फाइल मैन्युअल इनपुट। ये हमने ऐप बंद हो गई, क्रिएट हो गई फाइल, खोले वही नंबर स्टोर हुए, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम अपनी मर्जी से जो नंबर डालेंगे वो उसको अपडेट करता रहेगा। अच्छा, अब अगर हम बार बार चलाएंगे तो क्या करेगा, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। इस ऐप को दोबारा चला दिया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अब हमने इसमें नंबर डाले 700, 200, 300, 150, 10, 15, देखते हैं। तो दोबारा तो कोई फाइल नहीं बनाई, उसको खोला तो उसी फाइल को इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, चेंज नहीं कर दिया, क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। यानी कि पहले वाला डेटा को हटा दिया और दूसरे वाले डेटा को फिल कर दिया, यानी कि एरे के अंदर जो डेटा था उनको लॉस किया और फाइल के अंदर नया डेटा भर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का ये वाला टॉपिक कि किस तरह से एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं अपनी ऐप बना के और उसमें हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। और इसी तरह से तमाम सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं जो फाइल्स बना के सेव कर रहे होते हैं। पहले हमने उसको रीड कराना सीखा था, अब हमने उसको क्रिएट करना सीखा। अब रीड वाली फाइल भी हमारे पास पड़ी हुई है, वो यही एरे रीडिंग फाइल। अब इस फाइल को अगर रीड कराना है अपने प्रोग्राम से तो हमें अपने प्रोग्राम में जाके सिर्फ इस फाइल का नाम और टाइप डालना होगा, एप्पल टीएक्सटी, सेव, और ये रन किया हमने प्रोग्राम, ये कल वाली फाइल है और उसने हमें रीड करके बता दिया हमारी फाइल। ठीक है, अब